अस्सलाम रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। हम आज आलू गोश्त बना रहे हैं। इस रेसिपी को मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, 3 अदद प्याज भी हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, 4 आलू लिए हैं। तो स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, चॉप की हुई लहसुन 3 से 4 कलियाँ, 3 अदद टमाटर जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, जीरा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया लिया है 1/2 टीस्पून। तो आप बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी हम इसमें लहसुन डाल देंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, अब इसमें लहसुन ऐड कर देते हैं। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, अब प्याज के साथ हम टमाटर और दही लेंगे, इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मसाला मैंने तमाम कढ़ाई में डाल दिया है इसको ब्लेंड करके, अब इसमें अपने साथ तमाम स्पाइसेस डाल लेंगे। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो गोश्त चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें हम पोटैटो ऐड कर देंगे, पोटैटो को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो मिनट के लिए इसको भूनेंगे। अब इसमें हसबे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, तैयार है हमारा आलू गोश्त का सालन। मैंने इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी तैयार कर लिया है। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। व्यूवर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।